नंबर 18 जी जवाब पढ़ा हुआ समझा जाए, जमनी सवाल करें जी। मनसूर साहब ने दस्तक भेजा हुआ है तो मैं किसी हद तक सेटिस्फाइड हूँ, मगर उस वक्त मेरा सवाल मनसूर साहब से ये है कि उस वक्त जो ये मेरा डिस्ट बना हुआ था, मेरा डिस्ट्रिक्ट बटेग्राम में बाहर डिस्ट्रिक्ट से अपॉइंटमेंट हुए क्लास 4 के, तो यहाँ के और वहाँ की डिग्री में कोई फर्क था, मुझे इसकी वजाहत करें जी। जनाब मुराद सईद साहब, स्पीकर साहब, दो तीन चीजें, ये हमारे एमएनएस साहब मोहम्मद नवाज साहब, ये बार बार आते हैं अपने हल्के के हवाले से सवाल करते हैं, लेकिन पोस्टल सर्विसेज के हवाले से तीन चीजें बड़ी अहम है साहब। एक, अगर ये मेरठ का पूछ रहे हैं तो जिस तरह कत्लेआम हुआ वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है सर, मैं फ्लोरा क्या बात कर रहा हूँ। दूसरा कि आपका 52 अरब से खसारा ना बढ़ता पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे का, पोस्टल सर्विसेज का। तीसरा कि हर साल आपका 13.5-13 अरब खसारे में इजाफा होता गया, वजह ये थी कि गफलत, वजह ये कि मेरठ का कत्लेआम, वजह ये कि दौरे जदीद को समझने से कासिर। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस बात कर रहा हूं, मार्च तक जो पिछले एक साल का इनका टोटल रेवेन्यू था वो हमने जब मार्च का महीना शुरू हुआ तो हमने इनका रेवेन्यू साल का टारगेट पूरा कर दिया, और जो अब रेवेन्यू आ रहा है वो खसारे की तरफ हम खत्म करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अगर स्पीकर साहब 6-7 महीने के अंदर आप ये चीजें हो सकती है और खसारा खत्म करने की तरफ बढ़ सकते हैं तो उसकी क्या वजूहत है सर? हमने यहाँ पे नई सर्विसेज लोगों के लिए शुरू कर दिए, हमने यहाँ पे आपका जो बदलना था अपने पोस्टल सर्विसेज को, क्योंकि पेंशन तक महदूद रख के दिया गया था, खतों की ताकत का सिलसिला बंद हो गया था, ई कॉमर्स की दुनिया आप अलीबाबा को देखने की कहां तक पहुंच गए, ई कॉमर्स का यहाँ पे हमने आगाज कर दिया, अर्जेंट सर्विस का आगाज कर दिया, आपका एक्सपोर्ट मैन सर्विस का आगाज कर दिया लोगों की आसानी के लिए, ताकि उनको पता चल सके कि उनका पार्सल कहां पे है, लाइव ट्रैकिंग का सिस्टम दे दिया, ट्रैक एंड ट्रेस दे दिया, मोबाइल ऐप दे दिया, सेम डे डिलीवरी शुरू कर दिया, और कहीं पे अगर आपको अपना कोई चीज बेचनी है, कोई है वहां पे नहीं तो आप पोस्टल के ऐप को इस्तेमाल करते, डाकिया खुद आपके घर आएगा, ये सर्विस शुरू कर दी। फिर उसके साथ साथ स्पीकर साहब, जो आम तरीन चीज है, पाकिस्तान तब तक मआशी तौर पर मजबूत नहीं हो सकता जब तक आप अपनी लोकल इकोनॉमी को ठीक नहीं करते। लोकल इकोनॉमी को ठीक करने के लिए आपको पाकिस्तान के नौजवान को आसान और बेहतर रोजगार देना होगा, लेकिन नौजवान जब यूनिवर्सिटी से फारिग होता है वो घर में बैठता है, उनके पास हुनर है लेकिन उसके पास टेंशन ये है कि मेरे पास तो दुकान के पैसे नहीं है, मेरे पास तो बंदे रखने के लिए नहीं है। तो आज पोस्टल सर्विस उनको कहता है कि पाक पोस्ट आपका दोस्त, अगर आपके पास कोई भी चीज बना सकते हैं, कोई भी टैलेंट आपके यहाँ है तो आप सिर्फ एक तस्वीर उसकी बना दो, पाकिस्तान पोस्ट आपका दुकान भी बनेगा, पाकिस्तान पोस्ट आपका दुकानदार भी बनेगा, कैश ऑन डिलीवरी सर्विस भी देगा, और ये सारी चीजें शुरू कर दी। तो स्पीकर साहब, माजी में बुरा हुआ है, मैं इंशाल्लाह जब इस एक इदारे को देखता हूँ कि 6-7 महीने में आपका रेवेन्यू भी बढ़ सकता है, अपने पाँव पे भी खड़ा हो सकता है, प्राइवेट कुरियर सर्विस के मुकाबले में भी आ सकता है, तो पाकिस्तान भी आगे जा सकता है जी। मोहतरमा साजिदा।